हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मेरा शूट है अल्मोड़ा में ही, और मैं ना थोड़ा देर हो रही है मेरे को, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। और मेरा फेस थोड़ा आपको रेड दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी फेस आइस पे ऐसे डिप कर रखा था थोड़ी देर मेकअप करने से पहले। मैंने देखी थी वीडियो कि मेकअप अच्छा बैठा रहता है दिन भर ऐसा करने से। और बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, बारिश भी आ सकती है ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का व्लॉग। बाकी मैंने ये सूट पहना है और एक बैग है मेरा छोटू सा। मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मली गेट रेडी विथ मी बनाऊँ, बट कैमरा कैसे एडजस्ट होगा ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं कैमरे को एडजस्ट करती हूँ और चलते हैं आपको अपना शूट दिखाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं ना शूटिंग में जाते हो कैसे शूटिंग होती, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। अभी फिलहाल मैं घर से रेडी होकर जा रही हूँ, और अगर मैं कहीं और जाती हूँ तो जहाँ हम रुके होते हैं उधर से हम लोग रेडी होकर के जाते हैं अपनी लोकेशन के लिए। तो मतलब अभी मैं यहाँ से रेडी होकर के हम लोग जाएंगे अपनी लोकेशन के लिए जहाँ हमारा शॉट होगा या हमारा जहाँ शूट होगा। एक जगह भी हो सकता है, अलग अलग जगह भी हो सकता है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि कैसे शूट होता है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेलिंग दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं घर ही में हूँ, तो इसलिए मैं आपको अच्छा इसलिए मेरे दिमाग में आया एकदम से कि क्यों ना दिखाया जाए आप लोगों को। फिर बहुत सारे गाने हो रहे हैं तो इसको आप अवॉइड कर देना, इसमें वैसे उतने दिख भी नहीं रहे। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, करने के बाद स्किन हल्की सी ऑयली हो जाती है, जिस वजह से जैसे अभी पहले टोन दिख रहा होगा उससे हल्का सा लाइट हो जाता है। पहले ना मुझे मेकअप अभी भी नहीं आता है वैसे, बट काम चलाऊ नॉर्मली ओके मैं कर लेती हूँ। अभी जो है मैं नॉर्मली बेस लगाऊंगी। बेस में है ये फाउंडेशन और ये मेकअप स्टूडियो का बेस, ये मिक्स करके मैं लगाने वाली हूँ। तो मैं अभी वीडियो बंद कर रही हूँ और जब मैं लगा लूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बेस लगाते वक्त तो शक्ल बहुत ही गंदी लगती है। तो गाइस बेस मैंने लगा लिया है और ये है लूज पाउडर बोलते हैं शायद इसको, हाँ मुझे अच्छे से पता नहीं है। अभी लूज पाउडर होता है शायद, ये कॉम्पैक्ट दूसरा होता है। हाँ लूज पाउडर ये, तो वो भी मैं लगा रही हूँ लूज पाउडर। शीशे में बिल्कुल अलग ही, यहाँ बिल्कुल अलग ही लगता है यार, मतलब यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लूज पाउडर से क्या होता है ना, आपने जितनी पुट्टी मुँह पर करी है ना पुट्टी, वो सेट हो जाती है। कितना स्मूथ हो गया होगा मेरा बेस। अभी ये 2 मिनट के लिए होता है, जब मेरे मुँह पर पसीना आएगा फिर सब पकने लग जाता है। मैं बहुत इरिटेटेड वाली वॉइस में बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में अपने मेकअप से बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ। एक तो मुझे कुछ आता नहीं है और जब मैं करती हूँ फिर सब खराब हो जाता है। तो फिर मेरे को ये वो है लिप लाइनर, लिप पेंसिल, मैंने इसी से लिपस्टिक लगा ली। इसमें हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करेंगे, देख सकते हो आप, खतरनाक। ओप्स, मैंने तो आईब्रो फिल करी नहीं। इसके साथ साथ आई की आईब्रोज भी वाइट लगने लग जाती हैं वरना, तो आप आईब्रो फिल जरूर करें, आईब्रो फिल जरूर करें मेरी तरह, तो आपको बहुत जरूरी है। मुझे भी नहीं आता था यू हैव टू से आगे को, तब मैंने रुका। तो दोस्तों ऑलमोस्ट माय मेकअप इज डन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं माय मेकअप। और आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को अभी जाना है फिलहाल फटाफट। ओके गाइस ये ले जा देती हूँ, कॉम्पैक्ट ले जाती हूँ, नहीं ले जाती हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। और मेकअप मैं ज़्यादा नहीं ले जाती हूँ, मेकअप मैं आधा घर ही रख जाती हूँ और थोड़ा बहुत सामान ले जा देती हूँ। दोस्तों रेडी मैं हो चुकी हूँ पूरा और नाश्ता कर रही हूँ मतलब आप सुबह से ऐसी होने में है। फिर उसके बाद घर आके शाम को मेरी मेहंदी भी है गाइस, तो नाश्ता करती हूँ जाती हूँ, थोड़ा मान सुबह ऐसे कुछ डिस्कस भी करनी है। जय महादेव, मैं आ गई हूँ घर से, मुंह छुपा के जा रही हूँ ताकि कोई मुझे गंदे मेकअप में ना दे। मैं ऐसे जाना टास्क है क्योंकि अच्छा नहीं लगता,
जो इस प्लेट में आधा पराठा था ये कह रहे थे कि मेरा है, ये देखो आप देखिए गौर की धीरे धीरे खाने में लगी अभी इसमें आधा पराठा था वो खा लिया है कितने जल्दी रखा वो आधा वहाँ वो खा रहे हैं जरा शर्म करो भाई आपने ये तो मैंने पी चलो इसको साइड करो इसमें जो आधा पराठा था अभी कह रहे थे कि ये इसका है करके अभी देखना अभी देखते कौन खाता है वीडियो और मत निकी भाई लो निकी भाई खाओ सी देखिए ऐसा था कि चने बढ़िया हो रहे यार चने भून लगे ना जो बहुत सॉलिड हो रहे हैं ये सही था चने भून लगे जो बढ़िया थे करके जरा रख दिया पराठा अरे ऊपर रख के खा लो यार नहीं बना रही हूँ वीडियो छोड़ो नहीं कोई नहीं ये भावना जी आई है तो आज बड़ी खुशी हुई है इसलिए ज्यादा खा रहा हूँ मेरा आज इनको हर किसी के आने पर खुशी होती है इतना ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए भावना जी के बारे में हमें पता था कि बहुत कम बोलती है और ऐसी है वैसी है लेकिन जब मिली तो हमने कहा कैसी है ये रिएक्शन थे ना हमारे तो कुल मिला के सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए है ना नहीं ये बात मजाक से हट के ना सही ये बात सही गएगी क्योंकि निक्की भाई देखो हर किसी ने इमेज बना दे रही है यार ये हीरोइन ऐसी है वैसी है बोलती कम है प्राउडी है ये अब भावना के बारे में भी सुना था लेकिन जब मिले तो नहीं यार वो काफी डाउन टू अर्थ और टीम को साथ में लेकर चलो ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ जो भी नया काम करता है ना उनको वो ऐसे ही कहते हैं कि आपके बारे में ऐसा सुना था लेकिन मैं जैसा सुनते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट निकल जाता है तो हमें लगा यार मैं कम बोलती है ये वो करके लेकिन बारे बात तेरा दिमाग जो आया हमारा हम ही चुप हम तीन जन अच्छाई के बीच में आपने ही कर दिया ना अरे मतलब दिमाग खाने से मतलब मेरे ब्लॉग सही बन रहा था धीरे धीरे तारीफ हो रही थी धीरे धीरे जब बेइज्जती की ओर स्तर गया बेइज्जती नहीं मतलब बोलते हैं सही सबसे ना बराबर गब्बू भैया कितना सोचते हैं मेरे बारे में थैंक यू गब्बू भैया और ये दवाई का डब्बा भी है यार पूरा भावना का दवाई का डब्बा इसमें सब है गैस की पेट दर्द की फर्स्ट गैस ही क्यों बोला आपने मेरे को इतनी गैस नहीं होती है तीन बार कहते इन्होंने गैस गैस अब वो हो भी जाएगी अब रखी लो कैसी बातें कर रही है यार मैं वैसे लाया हूँ गैस की गोली भी ये कह रहा हूँ ना मतलब ये है कि जल्दी दे दो बच्चे के लिए आता हूँ फिर तू भी बच्ची हुई तो इसलिए तेरे लिए ये भी इसको ये देखो चल मैं रख के आता हूँ चीज आती है मेरे लिए शूट पे चीज आती है गाइस अगर कोई भी देख रहा है जो मेरे को शूट पे बुलाने वाला है देख लो मेरे को चीज चीज लगती है चीज ये नहीं कि चीज खाऊंगी तो पेमेंट नहीं लूंगी पेमेंट भी लगेगी तो दोस्तों हमारा आधा शूट कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग खाने के लिए आए हुए हैं गब्बू भैया कैसे छुपा रहे हो मैं नहीं दिखा रही यार आप मिरिंडा पी रहे हो करके भावना जी का और नाम हो जाए भावना जी के सामने कसम सभी करना पड़ता है सभी हीरोइन वीडियो में पहले नंबर पे आती है भावना जी तो गाइस हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है मैं आपको एक बात बताती हूँ ये जो पिरुल है ना पिरुल पहली बार मेरा लाइफ में इतनी खुशी मुझे हो रही है क्योंकि ना मेरी बहुत पहले जब मेरी दीदी लोग हम लोग ऐसे जंगलों पे घूमने के लिए जाते थे तो ना मेरी दीदी लोग पिरुल देखते थे कि चार वाला जो होता है कहते हैं ना जिसको मिलता है वो बहुत लक्की होता है तो मैं पता है कभी भी जैसे मैं शूट में जाती थी मैं ऐसे बैठती थी मैं देखती थी मुझे ऐसे मतलब मैं बताती नहीं थी किसी को लेकिन मैं तो देखती थी कि चार वाला और आज मुझे ये चार वाला मिला देखो इसके ना चार पत्तियां हैं और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के क्योंकि आज मुझे लाइफ में पहली बार ही मिला मैं मतलब बचपन से ना मैं देखती मुझे तीन 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 वाले मिलते थे आप ऐसे ढूंढोगे ना कितने आपको नहीं मिलेंगे चार वाले बहुत कम मिलते हैं तो मुझे आज ये चार वाला मिला और इसको मैं अपने पास संभाल के रखूंगी अपनी डायरी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे ये चार पत्ती वाला पिरुल का ये मिला और मैं आपको आप हमारी मेहनत तो देखते ही हो देखो मेरे पैरों की मेहनत जो मेरे पैरों में पैचेस पड़ गए ना ये देखो आधे टैन हो गए हैं और आधी ये मिट्टी के उससे और ये परसों शूट में छिल गया था तो आप देख सकते हैं ये देखो मेहनत देखो हाथ तो हाथ की पैरों की सबकी मेहनत देखनी चाहिए निक्की भाई का तो मुंह मेरे पैरों जैसा हो खतरनाक मतलब काले हो गए ना ये वो सेंस में
मैं डिटेन लिया है, आज रात करूंगा मैं। आज रात डिटेन करने, कल फोटो खींच के भेजना, मैं साइड में लगाऊंगी, देखना निक्की भैया डिटेन करने के बाद कितने खूबसूरत लगते हैं। सब हैंडसम लगते हैं, निक्की भैया खूबसूरत लगी। शूट से घर आ चुकी हूँ, शूट से मैं घर आ चुकी हूँ, दो बार बोलना पड़ा कैमरा लेट हो। अल्ले मेरा बाबू ने मेरे को याद किया, जा मेरे गुलगुलू ने मेरे को याद करा रे, इसको पता है कैमरा ऑन है। मेरे बाबू ने मेरे को याद किया, मेरी बहनी मेरे को याद किया का, ये अच्छा बच्चा है मेरा बाबू, मेरा लड्डू, मेरा लड्डू। आज मैं सुबह गई थी ना तो उतना वो नहीं हो रखा इसको। आइसक्रीम लाई हूँ, कद्दू लाई हूँ, दो मेहंदी की लगानी है मैंने अभी, मेरी मेहता है मेरी मेहंदी आज, और ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी वो मेरे ही सामान है शायद, चिप्स वगैरह। हाँ मेरा ही तो ये दही का पैकेट है क्या, बस बस। तो दोस्तों अभी मैं आइसिंग कर रही हूँ अपने फेस पे, और मैंने हाथ मुँह वगैरह सब धो लिया है अभी। वैसे तो इतना लग नहीं रहा, कैमरे में नहीं लग रहा कि इतना टैन हुई हूँ मैं करके, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टैन हुई हूँ, और मैं आइसिंग कर रही हूँ। और मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये चार्ली है, मैं आइसिंग कर रही हूँ, और इसको देखो किसके लिए पता, बर्फ़ खाने के लिए। ये ऐसी करती, देखना ये जो बची हुई बर्फ़ होती है ना, इसको अच्छी लगती है। दोस्तों जैसे मैं सुबह से कह रही हूँ मेरी मेहंदी है, मेरी मेहंदी है, तो ये देखो मेरे को मेहंदी लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे बब्बी जी लगा रही है मेरे को मेहंदी, और ये मेहंदी जो है मेरे शूट के लिए लग रही है। तो वो जो शूट है वो आपको परसों को देखने के लिए मिलेगा, कल छोड़ के परसों को, कल को तो हम लोग उधर जा रहे हैं, तो कल छोड़ के परसों को वो शूट देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी आर्टिस्ट को, तो मैं मेहंदी पूरी करती हूँ, लास्ट में बताना आप मेहंदी कैसी लग रही है। और मेरा फेस देखो जाओ कितना जल गया है, इस आँख के नीचे देखो कितना जला सा लग रहा है ना, बनाया। तो दोस्तों मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, और मम्मी मुझे खाना खिला दिया, मेरी मेहंदी आज पार्टी आटी तो भाई बब्बी की है, जो मेहंदी लगा रहा है सिर्फ उसी की पार्टी है, और मेहंदी रायता रोटी चल रही है, मेहंदी मेरी है वो। इसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, तो इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय। मेरी मेहंदी नहीं है, शूट के लिए कर रही हूँ, बताया था आपको मैंने पहले ही, तो बाय बाय बाय।